ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के अवसर तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे दमन पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो आप ना आए। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था, जिस पे आपके एक साथी है मंजूर अली खान, वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपके हवाले से खान साहब ने क्या आपको डायरेक्शन दी, आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, केपीके से लड़ेंगे या फिर नेशनल पंजाब में सब विकास से लड़ेंगे?